हम सभी लोगों का कभी ना कभी ट्रेन से आना जाना सफ़र करना लगा रहता है, और कई सारे लोगों की आदत होती है मोबाइल को विंडो के बाहर या फिर डोर के बाहर डाल के वीडियो शूट करते हैं। वैसे में अगर उनका मोबाइल गलती से गिर जाए ट्रेन से तो क्या होगा? या फिर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन के बागल में कुछ लोग खड़े होते हैं, जब चलती ट्रेन से कोई मोबाइल यूज़ करते रहता है तो उसको मोबाइल को मार के वो गिरा देते हैं। बाद में ट्रेन तो चली जाती है, वो आदमी कुछ कर नहीं पाता है, बाद में वो चोर मोबाइल ले लेते हैं। अब इन सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला केस ले लेते हैं, अगर आपकी खुद की गलती से अगर आपका मोबाइल ट्रेन से बाहर गिर जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको काम नहीं करना है वो सुन लीजिए, ट्रेन की चेन कभी नहीं खींचनी है, क्योंकि ट्रेन हमेशा देखिए इमरजेंसी काम के लिए पुल की जाती है। और इमरजेंसी क्या है वो आप समझ लीजिए, जैसे कि आपकी हेल्थ कंडीशन ख़राब है वो हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, या फिर ट्रेन में आग लग गई है वो इमरजेंसी हो सकती है। आपका मोबाइल आपकी गलती से ट्रेन से बाहर गिर गया है वो इमरजेंसी नहीं है, वो आपकी गलती है। तो इस टाइम पे अगर आप चेन खींचते हैं तो आपको सीधा लेके जाके जेल में डाला जाएगा और साथ में मोटा फाइन भी लगाया जाएगा। अब बात करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले ट्रेन के बाहर थोड़ा नज़र डाल के देख लो, पोल लगे होते हैं उसके ऊपर येलो पेंट करके कुछ नंबर लिखा होता है पोल के ऊपर, वो पोल का नंबर जो है नोट कर लो। दूसरी चीज़, किसी को पूछ कर या फिर देख कर अंदाज़ा लगाओ कि आप कौन से जंक्शन के बीच में हो। अगर नहीं पता चल रहा है तो किसी का मोबाइल ले लो, उसमें अगर वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप कौन से दो जंक्शन बीच में है। फिर ये नंबर नोट कर लो, ये दोनों नंबर पे आप लोग कॉल करके अपनी कंप्लेंट बता सकते हो कि कौन से जंक्शन पे ये कांड हुआ है। फिर वो लोग आप तक रीच करेंगे, आपकी सारी इंक्वायरी करेंगे क्या हुआ किस तरीके से हुआ, फिर बाद में वो अपनी दूसरी यूनिट को भेजेंगे उस लोकेशन पे जहां पे आपका मोबाइल गिरा हुआ है। अगर आपका मोबाइल कोई दूसरा आदमी नहीं उठाया है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका मोबाइल आपको वापस मिल जाएगा। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, आप डोर या विंडो के करीब ठहर के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बाहर से चोर आके आपके मोबाइल को मारते हैं, मार के मोबाइल आपका गिरा के लेके जाते हैं, तो वैसे टाइम पे भी आप समझेंगे कि ये तो इमरजेंसी है भाई, चोर मेरा मोबाइल लेके गया। नहीं, ये भी इमरजेंसी नहीं है। ये इंसिडेंट एक लड़के के साथ ऑलरेडी हो चुका है, उसने बताया कि उसने चेन खींची थी, चेन खींच कर बाद में वो फॉलो करते करते चोर तक जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया। बाद में टीटी आया, उसको सवाल करे और उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, चोर मेरा मोबाइल ले लिया था। तो तब उसने बताया टीटी ने कि आप इस तरीके की अगर हरकत करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, वार्निंग देकर उसने छोड़ दिया। तो तब के केस में भी आपको चेन नहीं खींचना है। इस केस में भी आप इसी तरीके से वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि कौन से जंक्शन पे ये कांड हुआ है। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही, तो आप लोगों को मोबाइल मिल सकता है। वैसे इन चोरों के केसेस में मोबाइल ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा खास करके चेन की, चेन मत खींचना जब तक कि कोई इमरजेंसी, बड़ी इमरजेंसी ना हो। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।